हेलो एवरीवन, दिस इज सलीश कुमार एंड वेलकम टू एसके सी द सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। आज हम लोग इस वीडियो में एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको आरएस अग्रवाल 10 में कुछ 10 एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इधर उधर भी हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। और आप हमारे साथ पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दे गए पार्ट वन से जाके सारे वीडियोज का लिंक पड़ा हुआ है। पार्ट वन से पार्ट टू पार्ट थ्री शुरू से देखो, आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा। नहीं समझ में आता कमेंट वस्तु में कमेंट करके बताओ, मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने का। तो चलो करते हैं। और इसी टाइप किया हुआ साइन पहला क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 वाला, उसका भी मैं इसी टाइप का क्वेश्चन है। सिर्फ साइन का वैल्यू और न्यूमेरिकल चेंज है, उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उसको भी देख लेना इसको बनाने के बाद, इसको देखने के बाद, ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, If cos theta is equal to 7/25, find the value of all t ratios of theta. ठीक है, बोला है कि cos का वैल्यू दिया हुआ है 7/25, तो अपना सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर नहीं सारे छे का छे का, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के हिसाब से पता करो। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप फिगर बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो भी बन जाएंगे, लेकिन फिगर बनाओगे तो उसका कुछ इंपैक्ट ही अलग होता है, समझाने में भी आसान होता है, इसलिए मैंने बना लिया है। ठीक है, मान लेते हैं एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए को आप थीटा मान ली, आप चाहो तो सी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने ए को माना है, बी को नहीं मान सकते क्योंकि 90 है। जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लेते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल, और दोनों में से कोई एक एक्यूट एंगल के हिसाब से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालते हैं, या फिर ये एंगल या ए एंगल, ये नहीं ले सकते, बट ट्रायंगल शुड बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन बनाने से पहले देखो गिवन में क्या है, गिवन में दिया है कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/25, ये इस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है बहुत बच्चों को कि बेस ना 7 है, हाइपोटेनस 25 है, किसके हिसाब से, थीटा के हिसाब से, थीटा इसको माने ए को, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये आप बहुत बच्चों मान लेते हैं कि ये आपका ये वाला थीटा के हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये आपका बेस। ठीक है, चलो ठीक है। अब बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन और एक हो जाता है कि आपका बेस ना एग्जैक्ट 7 है, ये 7 मान लेगा, 7 सेंटीमीटर मीटर, और हाइपोटेनस 25 मान लेगा। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, आप सोच के देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है, ये कट के उतना आएगा, जैसे मैं बोलूं दोनों को गुना करो, ठीक है, 2 से गुना करो इसको, कितना आएगा 50, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से गुना कर लो। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो यानी कॉस थीटा का रेशियो लिखना है हमें। अब क्या आएगा बताओ तो, 50 बेस बाय, सॉरी बेस कितना है हम लोग का 14 अपॉन हाइपोटेनस 50 आएगा। काटो इसको, काटो, कैंसिल करो, कैंसिल करोगे तो आएगा 7/25, यानी कि यहां पे हम लोग का हाइपोटेनस क्या हो सकता है, 50 भी हो सकता है, सॉरी हाइपोटेनस जो है वो 50 भी हो सकता है, और आपका हाइपोट बेस क्या हो सकता है, 14 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कट के इतना है, तो आप ये गलत फॉर्म में मत रहो कि ये क्या है हम लोग का 25 और ये 7, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये दूसरा कुछ भी हो सकता है, 3 का मल्टीपल में भी रह सकता है, ये आपका 75 भी हो सकता है, आपका 21 भी हो सकता है, कट के तो यही आएगा ना, करके देख लो। ठीक है, और दूसरी बात, आप इस फिगर को बिना, मतलब इस क्वेश्चन को बिना फिगर के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट बनाओगे फिगर तो मार्क्स थोड़ा मिलने का चांस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। देखो अब हम लोग क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, बाय, अब हम लोग को देखो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो साइन निकालोगे भाई, साइन में परपेंडिकुलर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो दिया हुआ नहीं है, सबसे पहले मैं सब हटा देता हूं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जब नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, और हम लोग कैसे निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बेस दे रखा है 7, ठीक है, बेस नहीं निकालना है, मिटा दिया है 7। ठीक है, और तो इसीलिए अब देखो रेशियोज में है, तो रेशियोज में हम लोग ने इसको 25 के मानेंगे और इसको 7 के मानेंगे, अभी मैंने समझाया था। ठीक है, ये मल्टीपल में भी हो सकता है, तो मान लो ये के का मल्टीपल में, 2 का मल्टीपल में हो सकता है, 3 का भी मल्टीपल, मान लो के का मल्टीपल में,
ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है ना बाबू, रेशियोस। अब आप लोग ये भी जानते हो बचपन क्लासेस में पढ़े हो क्या कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इतना, ठीक है, एंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 3:2। उसके बाद आप क्वेश्चन में क्या मानते, सॉल्यूशन में क्या लिखते थे, लेट ब्रेथ लेट लेंथ इज इक्वल टू 3x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2x, मानते थे कि नहीं मानते थे, ठीक है। यहां पर भी ये रेशियोस है जो कि कट जाएगा, तो यहाँ पे x x भी मानो, k k भी मान सकते हो, तो कट के वही आना है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे k मान ले रहे हैं ताकि एग्जाम में आपके एक भी नंबर कटने का चांस ना रहे, ठीक है। आप 25 और 7 भी लेके बना सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा थ्योरम पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा बाबू, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, आप सब पढ़े हो, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है हम लोग का, वही तो निकालना है भाई, बेस कितना है 7k का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है 25k का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर 49k स्क्वायर, 625 आएगा, गुना कर लेना, ऐसे याद होना चाहिए आपको, 10th क्लास में हो, 25 का तो होना चाहिए, 25 के स्क्वायर, ठीक है। हम एक स्टेप और चलते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इसको उधर ये जान रहे प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 625 के स्क्वायर, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 49 के स्क्वायर, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, चलो शायद आप लोग को ना दिख रहा हूं, मैं उधर लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या आएगा, पी स्क्वायर, देखो तो यहां पे घटाएंगे तो लाइक टर्म है, घटेगा के स्क्वायर, ठीक है, घटाओ तो 15 में 9 जाएगा, 5 उधर और 15 में 9, 5 इधर 4 इधर 6, ठीक है। इसके बाद यहां कितना 11, 11 में 4 जाएगा 7, ठीक है, यहां 5, 576। अब आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा, याद होना चाहिए, 30 तक आप याद रखो स्क्वायर नंबर। ये किसका है, 24 का है, ठीक है, तो 24 का ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, थोड़ा सा इसको दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, जब रूट इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 576 अंडर रूट हो जाएगा के स्क्वायर। अब आपको भी पता है जो जो ये 24 का है और ये के स्क्वायर के बदले के बार, ये आ गया हम लोग, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना आ गया बच्चों, 24k, ठीक है, 24k। अब परपेंडिकुलर आ गया, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, चलो लिख के देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना निकला भाई 24k, बेस कितना है इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, और बेस नहीं भाई, साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एक्सट्रीमली सॉरी 24 बेस अपॉन, अब यहां क्या होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 25k, a के कैंसिल हो गया, आया कितना 24/25, ठीक है साइन। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो साइन हो गया, उसके बाद क्या निकालोगे, कॉस, यहां फिर इसी के नीचे हम लोग कॉसेक लिख दे रहे हैं पलट के जस्ट ताकि आसान हो, कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, जस्ट इसको पलट दो 25/24, हम लोग जानते हैं कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए एक और, चलो इधर काफी स्पेस है इधर लिखेंगे हम लोग, ठीक है कॉसेक। अब क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो दही रखा है, ठीक है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला है ना, गलती, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता तो हम लोग इसको नहीं लिखते, बोला है देख के लिख दो या फिर आप निकालो भी वही आएगा, क्या लिखोगे 7k, देख के लिख दो या फिर लिखो बेस इसके हिसाब से 7k और 25k, k कट जाएगा आ गया, ठीक है, या तो दिया ही हुआ था। सेक थीटा लिखोगे पलट दो हाइपोटेनस बाय बेस, क्या हो जाएगा
पलट के लिख दो ना इसको चुपचाप, 25/7 या निकाल भी सकते हो आपकी मर्जी, निकाल दोगे चेक हो जाएगा आपका सही बना है नहीं। उसके बाद लास्ट है tan थीटा, पहले निकाल लेते, कोट लिखने जा रहा था tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, सब उल्टा पुल्टा लिखा रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 24 के, बेस कितना है 7 के, k के कट जाएगा आएगा 24/7। और tan का उल्टा क्या होता है बच्चों, cot थीटा, कितना आ जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, जस्ट को पलटना है 7/24। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब।